वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। अब तक जो हमारे टॉपिक था वो क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब बेटा उनमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपको एक बार दोबारा से रिकॉल करवाऊं, देखिएगा जो डिफरेंस है इनडेफिनेट और डेफिनेट। तो डिफरेंस है बेटा इनडेफिनेट, डेफिनेट होता है फिक्स, और इनडेफिनेट है जो फिक्स ना हो। तो इनडेफिनेट में जो हमारा जो भी आंसर आता था उस आंसर के लास्ट में हम प्लस सी लिखते थे। जैसा कि अगर कोई हमसे यूं कहे कि 7x का इंटीग्रेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर क्या आता था? 7x² / 2 + c। ये जो प्लस सी था इस कॉन्स्टेंट की हमें वैल्यू नहीं पता थी, इसका रीजन मैं आपको इनडेफिनेट में बता चुका हूं। तो अगर मुझे इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं पता है तो ये कंप्लीट जो आंसर है ये कंप्लीट मुझे नहीं पता है। व्हाट इज द कंप्लीट आंसर, व्हाट इज द फिक्स आंसर। सो दिस इज इनडेफिनेट, अनिश्चित। लेकिन यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है डेफिनेट, अगर इसमें हमसे वो यूं कहेगा कि 7x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो यहां पर आपको वो क्या करेगा, वो आपको लिमिट्स देगा। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, यहां पर आपको ऐसे लिमिट्स देगा। इन लिमिट्स की हेल्प से हम इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे 7x का इंटीग्रेशन है 7 × x² / 2, यही है ना बेटा। अब यहां पर हम प्लस सी नहीं लिखेंगे, यहां पर अब मुझे ये 1 2 3 जो हमारी ये लिमिट है 1 2 3, अब मैं इनका यूज करूंगा और यहां से मेरा एक्यूरेट आंसर आएगा। और इन लिमिट्स का यूज कैसे करते हैं, जो हमारी अपर लिमिट है पहले तो हम वो पुट करेंगे, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वहां से हम हमारा इसका एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। मतलब 7/2 है, इसको तो बाहर रखिए। जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट सिखा रखा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, चाहे डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में कांस्टेंट को बाहर रखिए, वेरिएबल का इंटीग्रेशन कीजिए। तो x², अब x की जगह पहले x की जगह यहां वेरिएबल की जगह 3 पुट कर दीजिए, इट इज 3² माइनस, मतलब अपर लिमिट पुट कर दी मैंने, अपर लिमिट कितनी है 3, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, दैट इज 1, सो इट इज 1² तो ये सारा क्या बनेगा 7/2, इट इज 9 - 1 = 8, और ये सारा 2 से कैंसिल, इट इज 28। नाउ फील द डिफरेंस, डिफरेंस क्या रहा बेटा, यहां पर जो आंसर है ये इनडेफिनेट है क्योंकि यहां पर हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता। यहां देखिए इसका एक कांस्टेंट, इसका एक फिक्स आंसर आया है दैट हैज अ डेफिनेट वैल्यू। सो इस आंसर इन लिमिट्स को पुट करने की वजह से इसके थ्रू तो हमारा जो फिक्स आंसर आ रहा है उस फिक्स को क्या नाम दिया गया है, डेफिनेट। और हम किसका यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का। सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, पहली चीज तो ये। अब बेटा डेफिनेट इंटीग्रल का रोल क्या है, बेटा डेफिनेट इंटीग्रल की वन ऑफ द एप्लीकेशन, एक जो एप्लीकेशन है वो है फाइंड द एरिया। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आप इस डायग्राम को पहचान पाएंगे, डायग्राम किसका है बेटा, राइट हैंडेड पैराबोला। अगर मैं आपसे यूं कहूं इसकी इक्वेशन है y² = x, ठीक है बेटा। और अगर मैं अब आपको लिमिट दूं, ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या बोलने जा रहा हूं, अगर मैं आपको लिमिट दूं भाई हमारी इक्वेशन, मैंने आपसे कहा y² = x, x = 1 and x = 3, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूं, सो x = 1 इसमें प्लॉट करना बेटा, x की वैल्यू 1 यहां होगी और x की वैल्यू 3 यहां होगी। जो x = 1 है और x = 3 है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? These will be parallel to y-axis. ये चीज आपको बहुत बार करवाई मैंने। अगर लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सो दैट विल बी आइदर पैरेलल टू x-axis और पैरेलल टू y-axis. अगर इक्वेशन x में है तो y के पैरेलल होगा, अगर इक्वेशन y में है तो x के पैरेलल होगा। सो ये जो लाइन गई दिस इज x = 1, और यहां से जो ये लाइन गई दिस इज x = 3। ले बेटा, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, जो हम ये काम कर रहे हैं 1 2 3, और ये जो है यहां से जो मेरा ये आंसर आएगा ये क्या है, ये यहां से भी आएगा इस टाइप से। अब हमें इसमें, मैंने आपको बताया डेफिनेट की हेल्प से हम एरिया निकाल रहे हैं, एक मुझे वो एरिया निकालना है जो इन तीनों के बीच में आ रहा है। अब इसका रीजन देखिएगा, यहां पर या तो मैं कोमा लगाऊं या कोमा की जगह मैं क्या लिखूं, एंड, वन एंड द सेम थिंग। मैंने आपको ये 11th में भी बताया था, और जहां पर भी एंड लिखा हो, एंड का मतलब वी हैव टू फाइंड द कॉमन रीजन। यूनियन में तो इंटरसेक्शन लेते थे, यूनियन में तो सारा एरिया लेते थे, और एंड में क्या लेते थे, इंटरसेक्शन। तो जब हमारा एंड है कॉमन है, सो कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन विच इज देयर कॉमन पोर्शन। सो अगर मैं इन तीनों का कॉमन पोर्शन निकाल रहा हूं तो आप देखिएगा ये है वो कॉमन पोर्शन आएगा बिटवीन ऑल दिस कर्व्स।
और इंटीग्रेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन हमारे आएंगे इस बार 10.4 एंड 10.5 में, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस का वो कहेगा फाइंड द एरिया, और वहां पर मैं इस डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से ये जो मेरी लिमिट्स दे रखी हैं इन लिमिट्स को पुट करके आई विल फाइंड अ स्पेसिफिक वैल्यू, आई विल फाइंड अ डेफिनेट वैल्यू विच विल गिव द एरिया, विच विल गिव द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। इस चीज को हम डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से देखिए। नाउ सी बेटा, आपके सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है 10.12345। इस चैप्टर नंबर 10 में वी हैव टोटल 5 एक्सरसाइज। 10.01 है उसका टॉपिक है लिमिट एज ए सम। जो मैंने अभी यहां पर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था उसको हम एक नए फॉर्मूले से करेंगे। अभी मैं वही करवाऊंगा आपको, अब मैं करवा लूंगा 10.1 लिमिट एज ए सम। जो 10.2 है इसमें अपर माइनस लोअर जो मैंने यहां क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन करने हैं। जो आपका क्वेश्चन होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे जैसे मैंने यहां किया था और अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करके आंसर निकाल देंगे। मींस 10.2 मुझे आपको करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 9 जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन की सारी टाइप्स इनडेफिनेट में जो सीखी थी वही क्वेश्चन यहां दोबारा रिपीट होंगे बट विद द लिमिट्स, पर आपको उसका इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर पुट करके एक स्पेसिफिक आंसर निकाल। So 10.2 already done. You can take doubts. 10.3 very important exercise. इसमें भी हमें limits दे रखी होंगी जैसा मैंने यहाँ question लिखा था, but we have to solve those questions using properties. Very important. यहाँ पर मैं आपको type wise question करवाऊंगा properties की help से हम कैसे करेंगे। Very important exercise. 10.4, 10.5 इसमें हमें curve given होंगी, हमें area निकालना है जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ये 10.4 में 1 कर्व और लिमिट्स 1 कर्व के साथ लिमिट दे रखी होंगी जो मैंने अभी यहां क्वेश्चन लिखा था। जैसे मैंने एक राइट हैंडेड पैराबोला लिया था और लिमिट्स ली थी मैंने x = 1 एंड x = 3, तो वैसे क्वेश्चंस तो 10.4 में। और 10.5 में 2 कर्व दे रखी होंगी, लिमिट्स नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लिमिट्स के बिना बेटा डेफिनेट इंटीग्रल कैसे बनेगा, लिमिट्स के बिना एरिया कैसे निकाल पाएंगे आप? क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी ये जो 2 कर्व होंगी इनको मैं आपस में क्या करूंगा सॉल्व, भाई 2 इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे और यहां से जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज किसका काम करेंगी, वो वैल्यू काम करेंगी लिमिट का। ठीक है बेटा, हमारी 2 कर्व दे रखी होंगी उनको आपस में हम सिंपलीफाई करेंगे और वहां से हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी लिमिट का काम करेंगी जिसकी हेल्प से हम हमारा एक डेफिनेट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा, सो दिस इज द इंट्रो। ये आपको हमारा पूरा चैप्टर है, इसमें 5 एक्सरसाइज हैं, तो ये एक्सरसाइज मुझे करवाने की जरूरत है नहीं, इसके आप डाउट्स ले लीजिएगा। वी विल डू दिस फॉर एक्सरसाइज। देखिए अब देखिए बेटा, अब एक बार आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये जो फॉर्मूलेज दिखाई दे रहे हैं हम इनकी बात और कर लेते हैं। ये सारे रिजल्ट्स मैंने आपको 11th में करवाए थे, ठीक है। मैंने आपको कहा था एलिमेंट में इनके प्रूफ भी गिवन है, कुछ बच्चों ने किए थे। बेटा समेशन n, यहाँ पर अगर आपको पता हो तो यहाँ पर n की पावर 1 है, n रेस्ट पावर 1 का समेशन, n स्क्वायर का समेशन, n क्यूब का समेशन, ये आपको सारे पता है। अगर 1 से लेके n तक का मुझे टोटल करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। 1 से लेके n तक की स्क्वायर का समेशन क्या होता था, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय 6, और 1 से लेके n क्यूब तक के समेशन क्या था, इसका होल स्क्वायर n into n plus 1 by 2 its whole square। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट्स मैंने आपको 11th में याद करवाए थे, इनका मैंने एक तरीका भी बताया था आपको, मैं दोबारा बता दूं। बेटा सबसे पहला रिजल्ट क्या है, n into n plus 1 by 2 है बेटा, लास्ट में भी इसका स्क्वायर है n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। यानी अगर आपने ये रिजल्ट याद कर लिया तो यहाँ पर इसका स्क्वायर ही है तो कोई फर्क नहीं है। अब बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, उनके लिए मैंने एक तरीका बताया था, इसको दोबारा लिखिए n into n plus 1 by 2 लिखा बेटा। अब देखिए n into n plus 1, n into n plus 1 upon 2, भाई यहाँ upon में कितना है 6, और 2 से मुझे 6 बनाना है तो यहाँ क्या होना चाहिए 3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा या 3 से डिवाइड करूंगा तो दोनों काम करने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, भाई 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस 1, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं ताकि आप इसको याद रखें, वैसे ज्यादातर को याद होगा। तो 2 प्लस 1 3 और 3, लेकिन आप बस यहां पर क्या लगा दीजिए इसके साथ n। तो अब आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला n into n plus 1 by 2 और 2n plus 1 by 3 सारा यही बन गया। ठीक है, तो जिसको ये हिंट समझ में आया अच्छी बात है, हिंट समझ में नहीं आया तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दोस रिजल्ट्स। लेकिन यहां पर हमें क्या यूज करना है, हमें ये रिजल्ट्स यूज करने हैं।
अब ये रिजल्ट्स क्या है, 1 से लेके, अब बेटा यहां पर बस n की जगह ना यहां जो n है यही सेम रिजल्ट्स मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, n n स्क्वायर n क्यूब, इन n की जगह मैंने सिर्फ n माइनस 1 तक के रिजल्ट्स लिए हैं, n माइनस 1 तक। तो यहां पर आपने क्या करना है, जो यहां रिजल्ट्स हैं वही रिजल्ट दोबारा लिख दीजिए बट विद माइनस साइन, दैट मींस पहला रिजल्ट यही बनेगा, बस माइनस लगा दीजिएगा n into n minus 1 by 2, this one, इनमें भी माइनस लगा दीजिएगा n into n minus 1 और 2n minus 1 by 6, और इसमें भी माइनस लगा दीजिएगा n into n minus 1 by 2, it's all square, ठीक है बेटा। तो आज हमारी जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वहां पर इन रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी जहां पर मैं ये यूज करूंगा, सो इन रिजल्ट्स को ध्यान रखिएगा, तरीका मैं आपको बता दूंगा। नाउ सी बेटा, अब आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर वो एक स्पेशल लाइन ना दे, वो स्पेशल लाइन क्या है मैं बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। वो स्पेशल लाइन आपको यहां मैं लिख के देता हूं, वो है लिमिट एज सम। अगर वो ये कहे कि इसको लिमिट एज सम से सोल्व करें तो इसका एक अलग प्रोसीजर है, आंसर सेम आएगा। अगर वो ये लाइन दे तो आपको अलग प्रोसीजर से करना है, अगर वो ये ना दे तो आप इसको सिंपली इंटीग्रेशन कर लीजिए, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 4 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x, इंटीग्रेशन डन बेटा। नाउ व्हाट आर द लिमिट्स, लिमिट्स इज 1 टू 3। चलो बेटा इसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं, तो सारा क्या बन गया, 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 5x, यही बना बेटा इंटीग्रेशन, लेकिन इसकी लिमिट है हमारे पास 1 टू 3। तो अभी आपको बताया था अपर माइनस लोअर, पहले क्या पुट करेंगे, 3 करना बेटा, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, मैंने क्या किया इस सारे में पहले अपर लिमिट पुट कर दी, दैट इज 3, देन माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट इज 1, तो 2 इंटू 1 ये तो 2 ही रहेगा, प्लस 5 इंटू 1 5, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 एंड 5 3 जा 15, माइनस 2 प्लस 5 7, सो 18 प्लस 15 दैट इज 33 माइनस 7, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, आंसर इज 26, आंसर इज 26। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये तो हर कोई बच्चा कर सकता है, ये काम को इंटीग्रेशन करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, लेकिन लेकिन और लेकिन ये क्वेश्चन आपको वो अगर ये लिख के दे फाइंड द आंसर यूजिंग लिमिट एज ए सम, आंसर यही आएगा 26, बट वाया ए डिफरेंट प्रोसीजर। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन को लिमिट एज ए सम से सोल्व करूंगा, उसका एक फॉर्मूला है और मैं ये रिजल्ट्स को यूज करूंगा, देखिए कैसे करें। नाउ सी बेटा, अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आपको दिखाई देगा लिमिट एज ए सम, लिमिट एज ए सम का बेटा ये फॉर्मूला है, देखिए a to b f of x dx, अगर ये मेरा a है लोअर लिमिट, ये मेरी अपर लिमिट b है और ये मेरा फंक्शन है ये, मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मेरा वही आंसर आएगा 26, बट आई विल यूज दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये है लिमिट एज ए सम, लिमिट का भी यूज हुआ और यहां पर हम सम भी कर रहे हैं। सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं, यहां पर आपको अप टू n टर्म्स दिखाई दे रहा है और यहां पर मैंने आपको कहा था हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आप सोच रहे होंगे यहां n माइनस 1 है, अब इसका क्या रूल है, इसका मतलब समझिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं a, a को क्या लिखेंगे, a प्लस 0h, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 1h, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 2h, यानी अगर ये t3 है, थर्ड टर्म है, t1, t2, t3, थर्ड टर्म में यहाँ 2 है, यानी जो टर्म है t3, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, ये कौन सी टर्म है, t2, 2 है तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये कौन सी है, t1, 1 है तो क्या आ रहा है, 0, यानी a क्या हो रहा है, कम। तो सिमिलरली अगर मैं tn लूंगा तो tn क्या बनना चाहिए, यहाँ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यहां n है तो यहां एक कम हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है बेटा। तो यहां पर जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये जो n माइनस वन है उनकी वजह से ये फॉर्मूले बनेंगे जो यहां आपको दिखा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन, देखिएगा एक बार, जो मेरा क्वेश्चन है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस एच, जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो यहां से आपकी a की वैल्यू कितनी बनी बेटा, a की वैल्यू बनी 1, अपर लिमिट b, b की वैल्यू क्या बनी, b इक्वल टू 3 और मेरा फंक्शन क्या बना 4x प्लस 5। सबसे पहला आपका काम है a पहचानना, b पहचानना एंड f ऑफ x पहचानना। तो बेटा हमें a, b और f ऑफ x ये चीजें मिल चुकी हैं,
अब यहां पर आप सबसे पहले एक चीज निकालिएगा NH, ये N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और H वो पैरामीटर जो हमने यहां लिखा है जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 0 है। NH का फॉर्मूला है बेटा B माइनस A, ध्यान दीजिएगा इस पे, NH इक्वल टू B माइनस A, B की वैल्यू कितनी है 3 और A की वैल्यू 1, सो दैट मींस यहां से हमने NH निकाल लिया, NH कितना आ गया 3 माइनस 1 दैट इज 2, NH इक्वल टू, ठीक है बेटा। तो हमारे पास किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वी नीड टू हैव A, वी नीड टू हैव B, वी नीड टू हैव F of X एंड वी नीड टू हैव N of H, ठीक है बेटा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको यहाँ a दिखाई दे रहा है, a की वैल्यू कितनी है 1, अगर मैं इसमें पुट करूं और इसको ऑपरेट करना शुरू करूं, सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h a की जगह 1 रखिए, f ऑफ 1, f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस 2h, और लास्ट में आपकी मर्जी है या तो आप टू n टर्म्स लिख दीजिए, या मैंने आपको बताया था यहां पर आप क्या रख सकते हैं, इसका मतलब क्या था लास्ट टर्म का, a प्लस n माइनस 1, a की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस n माइनस 1 इनटू h। जिस बच्चे को यहां हल्का सा भी डाउट हो वो यहां पर क्या करेगा, इसको अप टू n टर्म्स हटा के वो लास्ट में लिख सकता है a प्लस n माइनस 1 इनटू h, और a की वैल्यू क्या रख दी मैंने 1, ठीक है बेटा, वो ऐसे भी कर सकता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं आपसे ये कहूंगा, वैसे तो आप कितने भी टर्म निकाल लेना 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आपका सिर्फ मेजर काम क्या है, आपका मेजर काम है इन पहली दो टर्म्स की एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेना, इन दो की, अगर आपने इनकी वैल्यू निकाल ली तो आंसर गलत नहीं आएगा। कैसे, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है बेटा, दैट इज 4x प्लस 5। अब अगर मैं आपसे ये कहूं एफ ऑफ 1 चाहिए तो यहां पर एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, सो एफ ऑफ 1 तो 4 into 1, 4 plus 5, that is 9, तो यानी f of 1 की जगह तो आप क्या रखेंगे 9, clear, बाहर है h and limit h approaches to 0, ठीक है बेटा। now find f of 1 plus h, अगर मैं आपसे कहूँ x की जगह यहाँ 1 plus h कर दीजिए, तो यहाँ भी x की जगह क्या कर दीजिए 1 plus h plus 5, तो ये सारा क्या बनेगा 4 plus 5, 9 plus 4h, यानी ये जो अगली टर्म आई ये क्या है बेटा 9 plus 4h। देखिए मैंने आपसे कहा था अगर आप ये पहली दो टर्म निकाल पाएंगे तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे, अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहां तक, अगर आपकी मर्जी हो ये टर्म और ये टर्म निकालना चाहे तो यहां पर रख दीजिए, पर मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 100% आपका आंसर क्या आएगा देखिएगा। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h बेटा 9, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सब में 9 आएगा बेटा सब में, और ये टर्म कितनी टर्म्स थी अप टू n टर्म्स, तो 9 सब में आ रहा है, तो 9 को अगर मैं अलग करूं 9 plus 9 plus 9 अप टू n टर्म्स, 9 तो बेटा n टर्म्स क्योंकि हर टर्म में आएगा नंबर ऑफ टर्म्स आर n, नाउ प्लस, अब इसका काम तो खत्म 9 का, अब इस पे आ जाइए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 4h, मैं स्पेशली कह रहा हूं इसकी पावर देखिए पावर कितनी है h की 1, अगर h की पावर 1 है ना तो बेटा ये 1 पावर के रिजल्ट लगेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा 1 पावर के रिजल्ट लगेंगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो, मैं आपसे कहता हूं f ऑफ 1 प्लस 2h, अगर मैं आपसे कहूं f ऑफ 1 प्लस आप 2h निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पुट करना जी 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 प्लस 2h प्लस 5, ये बनेगा 4 प्लस 5 दैट इज 9 प्लस 8h, देखिए जी कॉमन आएगा 9 plus 8h, ये रहा बेटा, देखिए अब 9 तो हमने सब अलग कर लिए 4h 8h, आगे आएगा 12h, फिर आएगा 16h एंड सो ऑन, तो इनमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं 4h, यहां क्या बनेगा 1, यहां क्या आ जाएगा 2, फिर आएगा 3, और लास्ट में क्या आएगा बेटा समझिएगा, ये यहां से ये यहां से क्योंकि यहां से और यहां तक How many terms will be there? N minus 1. एक टर्म अलग कर दीजिए. Total n थी. एक अलग कर देंगे तो ये टर्म्स कितनी बचेंगी? N minus 1. और अगर ये N minus 1 है तो 4H, 8H ऐसे होंगे ना? तो 1, 2, 3 up to N minus 1 terms. तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? N minus 1. जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, वैसे मैं एक चीज क्लियर बोल दूं, अगर जो पहली टर्म कॉन्स्टेंट बनी है 9, वो 9 सम में आएगा, उसके बाद जो ये H वाले पार्ट हैं
फर्स्ट टर्म में तो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा, ध्यान देना यहाँ पर हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा जो सब में आएगा, नाइन है तो नाइन आएगा सब में। वन प्लस एच अगर आपने सोल्व किया तो नाइन तो आना ही आना था। इसके अलावा अगर 4h बना है तो वो 4h कॉमन आएगा, 100% आएगा। और ये जो 4h कॉमन आपने निकाला, इसके बाद क्या में बचेगा, h की पावर 1 है ना यार, तो 1 पावर वाला, ये कंप्लीट रिजल्ट एज इट इज बचेगा। अगर यहाँ पर h स्क्वायर होता तो अंदर यहाँ क्या बनता, स्क्वायर वाला रिजल्ट कंफर्म बनेगा बेटा, दिखाऊंगा मैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h 9 को n टर्म्स तक लिखेंगे तो इट विल बी 9n प्लस 4 h, और बेटा 1 से लेके n माइनस 1 तक का रिजल्ट क्या है, n इंटू n माइनस 1 बाय, ठीक है बेटा, ये इस सारे का रिजल्ट ये रहा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं h को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, 9nh। अब एक चीज ध्यान करना, जितने n होंगे उतने ही h मिलेंगे, यहां एक n था तो एक h इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर आप देखिए यू हैव 2n, 2n है तो यहां पर 2h होने चाहिए, एक h ही रहा, एक h ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2h बनेंगे। तो अगर ये h अंदर जाएगा तो h स्क्वायर बनेगा, एक h इसके साथ और एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे पहले 2 से कैंसिल तो क्या बना 2। अब एक तो ये इकट्ठा कर दीजिएगा, ये मैं क्या कह रहा हूं ध्यान देना, एक तो ये इकट्ठा कर दीजिए NH, और ये एक H इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई, दैट मींस ये बना N इंटू एच NH, और ये H जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो NH माइनस H, ठीक है बेटा। जितने N है उतने ही H मिलेंगे, H को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर चुका हूं तो बाहर से H को हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन में जहां NH है वहां NH की वैल्यू पुट कर दीजिए और जहां H है वहां H पुट कर दीजिए। देखिएगा तो यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, NH 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 H, तो H तो कितना है, अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहां तो 0 आएगा और बाकी NH की वैल्यू 2 है तो यहां 2 पुट कर दीजिए। सो 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 और इंटू 2 माइनस 0, तो ये सारा क्या बनेगा बेटा, 9 इंटू 2 दैट इज 18 प्लस 2 इंटू 2 और ये भी 2 बनेगा, सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड 18 प्लस 8 26। एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हमने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व किया था, वहां पर भी आंसर कितना आया था 26, ठीक है बेटा। तो आपको मैंने ये बताया कि यहां पर आपकी जो भी ये पावर बनेगी ना, ध्यान करना यहां पर सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में जो नंबर है 9, वो 9 सब में आएगा, 100% आएगा, और 9 के अलावा जो भी पार्ट बनेगा एच वाला वही कॉमन आएगा, 4h था तो 4h कॉमन आया, ये रहा बेटा 4h, ये रहा। और यहां पावर 1 है तो अंदर सारे पावर 1 वाले रिजल्ट बनेंगे, ये रिजल्ट बनेगा 100। अगर यहां स्क्वायर होता तो ये रिजल्ट बनता, अगर यहां क्यूब होता तो ये रिजल्ट, इट इज 100% श्योर। और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जितने एन होंगे उतने ही एच मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज, जैसे कि यहां 2n थे तो 2h मिलेंगे, यहां 3n है तो 3h मिलेंगे, 2 है तो 2 मिलेंगे, 3 है तो 3 मिलेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए बेटा, मैंने इसी क्वेश्चन में छोटी सी एडिटिंग कर दी है ताकि जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, जो मैं तरीका बता रहा हूं, आप जल्दी से पिक कर पाए, आप सीख पाएंगे। मैंने यहां पर क्वेश्चन में स्क्वायर कर दिया है, ठीक है बेटा, तो यहां पर स्क्वायर हो गया है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, एन एच वही रहेगा, ये सेम फॉर्मूला, ए की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करना, 1 1 प्लस एच 1 प्लस 2 एच। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले इन दो पार्ट्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 तो इसमें वही 9 आ रहा है, लेकिन अगर आप एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालेंगे तो यहां पर पुट करें बेटा, 4 इंटू क्या बनेगा, 1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 5, और आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 9 तो आएगा ही आएगा, ये कॉन्स्टेंट नंबर तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा बनेगा 4 एच स्क्वायर प्लस 8h, ये बना बेटा, मैं यहां लिखता हूं, सेकंड टर्म हमारी क्या आई, 4h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 9, ये आई बेटा। अब मैं आपसे यूं कह रहा हूं, अगर आपने पहले दो टर्म सोल्व कर ली, उसके बाद क्या आप सोल्व करें या ना करें, मैं एक चीज कंफर्म कर दूं, आंसर में क्या आएगा, 9 सम में आएगा, सो 9 अप टू n टर्म्स, यहां है 4h स्क्वायर, तो इट इज वेरी क्लियर, स्क्वायर है तो स्क्वायर का रिजल्ट बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर, 100% बनेगा। 4h स्क्वायर के साथ 8h की पावर 1 है तो 8h कॉमन आएगा, और अगर यहां पावर 1 है तो पावर 1 का रिजल्ट बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 100% बनेगा बेटा, आप बना के देख सकते हैं। अब यहां पर जो टर्म बनेगी आप वेरीफाई कर लेना, f ऑफ 1 प्लस 2h निकाल के इस क्वेश्चन में,
अगर आप f ऑफ 1 प्लस 2h यहां पर 1 प्लस 2h पुट करेंगे तो यहां भी 1 प्लस 2h पुट करिएगा, यहां बनेगा 4 इंटू 4 16h स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 16h प्लस और 9, आप देख लीजिएगा अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली इन दो रिजल्ट्स की, इस रिजल्ट की और इस रिजल्ट की, जो ये समेशन का रिजल्ट है, पुट करके कैलकुलेशन करनी है। तो वो आप वैसे तो खुद कर सकते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एच 9 को अप टू n टर्म्स, इट इज 9n प्लस 4h स्क्वायर। तो बेटा इस सारे रिजल्ट, ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6 प्लस आगे है 8h, और 8h के बाद वो जो लास्ट रिजल्ट है वो है n इंटू n माइनस 1 बाय, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 2 से कैंसिल, यहां तो रह गया 4, 4, 6 ये आ गया 2 और 3। तो चलो बेटा n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं h को, ये बनेगा 9nh प्लस, देखिए भाई 2 बाय 3 नंबर को मैंने लिख दिया, n n n, 3 n है तो 2h तो ये 1h के अंदर जाएगा, तो तीनों n के साथ एक एक h मल्टीप्लाई कर दीजिए, nh यहां पर nh माइनस h और यहां पर 2nh माइनस h, ठीक है बेटा। और प्लस यहां पर नंबर है 4 और यहां 2 n है, 1h ये रहा और 1h ये हो जाएगा, तो इट विल बी nh इनटू nh माइनस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपके क्वेश्चन में यहां NH है, NH जहां पर NH है वहां पर NH की वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां H है अप्रोचेस टू 0, तो सिंपलीफाई कीजिए, NH कितना है हमारा क्वेश्चन में 2, सो 9 इंटू 2 प्लस 2 बाय 3 इंटू 2 इंटू 2, ये H 0 बनेगा, और इंटू 2 इंटू 2 4, 2 2 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 2 2। तो बेटा यहां से अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, 9 into 2 18 plus 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 4 32 by 3 plus 4 into 2 8, 8 into 2 16, 18 plus 16 34 plus 32 by 3, so take the LCM, 34 into 3 102 plus 32 and this is 134 by 3, so This is the answer. ठीक है बेटा, लेकिन अगर आपको ये आंसर वेरीफाई भी करना हो तो कोई बुराई नहीं है, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन था आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैं यहां पर लिख लेता हूं 1, 2, 3 और 4x square plus 5, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कहां तक पहुंचता है। 4 एडिट इज x square integration x cube by 3 और 5 का integration 5x and limits are 1 to 3, upper limit 3 put कीजिए, 3 cube 27, 27 by 3 9, 9 into 4 36 plus 5 into 3 15, upper limit minus 1, ये बनेगा 4 by 3 plus 5, अब मैंने यहां 1 put किया और यहां 3, so this is 51 minus 4 by 3 minus 5, 51 minus 5 that is 46 minus 4 by 3, take the LCM 368, 138 minus 4 134 by 3, this is the answer 134 by 3, ठीक है बेटा। तो ये जो आपने क्वेश्चन देखा अभी, ये हमारा एलजेब्रा का क्वेश्चन था, जो भी मेरा यहां फंक्शन था इसमें एलजेब्रिक फंक्शन था, तो मैंने आपको बस ये समझाया कि जो पहली दो टर्म आप सोल्व करेंगे यहां पर ये जो भी बन रहा है बेसिकली आप इस पे मानिए 1 प्लस h, 1 प्लस h में आपका जो भी बनेगा 9 है तो 9 सम में आएगा, जिसमें h आ गया वो कॉमन आएगा, 4h स्क्वायर है तो 4h स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा और स्क्वायर वाला रिजल्ट बनेगा, 8h था पावर 1 तो 8h कॉमन निकाल लीजिए पावर 1 वाला रिजल्ट बनेगा, उनके रिजल्ट्स पुट कर दीजिएगा वैल्यूज निकाल लीजिएगा। लेकिन मैं देखता हूं हर साल बच्चे गलती करते हैं, आप क्या करना एक रफ में या साइड में ऐसी कैलकुलेशन करके इसमें एक मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, तो जब आप उसको मैच कर लेंगे तो आपका वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है, ठीक है बेटा।